हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंसूरी। तो सुबह सुबह गाइस आज एक प्रॉब्लम हो गई है। अचानक से सोनम के होने लगा है दर्द पेट में, और अब अचानक से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है कि पता नहीं क्या हुआ कि सोनम बोली कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और अम्मी बोली कि हॉस्पिटल लेके चल कि वो डिलीवरी वाला दर्द हो रहा है। मतलब 6 महीने में ये कैसे हो सकता है यार, मतलब इम्पोसिबल ज़्यादा हो रहा है। चलो फटाफट चलो, तो अभी हॉस्पिटल निकलना है मुझे यहाँ से, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है यार। 6 महीने में डिलीवरी वाला दर्द समझ में नहीं आया कुछ भी, पूरे घर मतलब उथल पुथल मच गई पूरे घर में यार। चलो फटाफट आओ, जल्दी आओ, आओ लेके आओ, मैं उठा गया हूँ। आओ आराम से आओ। तो गाइस मैं तो आ गया हूँ गाड़ी में, और अम्मी वगैरह आ रही हैं लेके वाइफ को, और आराम से अम्मी भी आ गई और वाइफ भी है। तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है अब है। नहीं ना, अभी बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, 6 महीने में ऐसे वाला दर्द कैसे हो सकता है। तो चलो मैं निकले है ना। तो गाइस अस्पताल तो पहुंच गया हूं मैं, बाकी अंदर गई है सोनम और अम्मी। तो गाइस यहां लगी है काफ़ी सारी भीड़, और अभी तक ये ओपन ही नहीं हुआ है, बिल्कुल काफ़ी भीड़ है यहां पर। तो गाइस काफ़ी सारी भीड़ हो रही है, और अभी मतलब डॉक्टर वगैरह आए नहीं है, तो अभी बैठी हुई है सोनम। तो गाइस काफ़ी सारी भीड़ हो रही है, तो सोनम डॉक्टर के पास गई है अंदर, और अम्मी बाहर बैठी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो यार मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ आगे, अभी देखो जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको देता हूँ, क्या बात है, क्या किस चीज़ का दर्द है, कैसे हुआ ये अचानक। तो बाकी वो बता रही थी कि वैसा दर्द हो रहा है, इम्पॉसिबल है कि 6 महीने में ऐसा दर्द होना। तो बाकी अल्लाह मालिक देखो क्या हो यार, और सब कुछ ठीक हो, मैं तो यही चाहता हूँ। और इंतज़ार करते हैं सोनम का फ़ोन आती है, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, अम्मी का फ़ोन आया कि जल्दी से अंदर, और कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि अंदर लेके जा रहे हैं डॉक्टर वगैरह, पता नहीं डिलीवरी के लिए, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अचानक से ये हो कैसे सकता है यार। चलूँ मैं जरा अम्मी के पास, गाइस मुझे ढूंढना पड़ेगा अम्मी को, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं क्या हुआ है यार, अचानक से अम्मी का फ़ोन आया कि तो यार डिलीवरी के लिए अंदर ले जा रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ क्या हुआ, क्या वो लेगा अंदर, लेगा से कहाँ अंदर, देखो पूछे के करेंगे जाके, दर्द बहुत हो रहा है उसके। अंदर ले गए डिलीवरी के लिए? हाँ हो सकता डिलीवरी हो। तो कैसी बातें कर रहे हो, 6 महीने में कोई होता है क्या? अरे वो भी जाता है, इसी बात थोड़ी। कहाँ है वो, चलो जरा मेरे को लेके चलो, दिमाग खराब हो रहा हो। कहाँ, क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा मजाक कर रहा है। अरे तुम भी ना, मैं भगा आया इतनी तेजी से, मैं गाड़ी में बैठा था, मैं भगा भगाया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, मजाक कर रहे हैं। ले ओ, तुम ऐसे बोलने की, जल्दी आ फटाफट, वो ले गए अंदर ले गए, मैं वही समझा, मैं गाड़ी में बैठे बैठे भगा भगाया। 3 महीने बाकी है। अरे कहाँ है, कहाँ वो है, कहाँ? अच्छा दवाई वही ले रही है। चलो तुम पहुँचो फिर, है ना, तुम पहुँचो मैं आता हूँ अभी। हद हो गई अम्मी की भी ना, अम्मी खामा खा मजाक करके चली गई। हमारी अम्मी भी ना थोड़ा ऐसी हैं मैं मजाक करता रहता हूँ उनके साथ, तो मजाक, मतलब ठीक है, दर्द वर्द जो है वो नॉर्मल वाला है खाली, और ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा है। दवाई वगैरह ले रही है यहाँ से, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से घर निकलेंगे। तो चलो यार हम तो बैठे गाड़ी में जाके, बहुत लग रही है मुझे यार गर्मी, और अंदर तो भीड़ भाड़ है, तो मैं चलो यार थोड़ा सा गाड़ी में बैठते हैं अंदर जाके, और बाहर भी बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी के मजे ले लो भाई। और यहाँ भीड़ भाड़ रोड पे, और वो लगी हमारी गाड़ी पे पार्किंग, सॉरी पार्किंग में गाड़ी तो ये है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे नाम लिखवाना थोड़ा ज़रूरी था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जामा मस्जिद सामने, गोरी मीनार ये एरिया। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया, मैंने सोचा यार खाली बैठे बैठे कुछ काम ही कर लेते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, और बहुत बोरियत हो रही है यार, वहाँ पता नहीं कितना टाइम लगेगा अंदर। अम्मी से बात हुई तो उन्होंने कहा काफ़ी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं उसके भी, तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है। तो मैंने खोल लिया अपना लैपटॉप और मैं करने लगा अपना काम, और बाहर हो रही है बहुत गंदी वाली गर्मी, देख रहे हो बहुत गर्मी हो रही है बाहर, तो हम लग गए अपने काम में। चलो यार थोड़ा काम वाम करें भाई, देख रहे हो अंदर भी पसीना आ रहा है, मतलब एसी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है हल्का फुल्का, मतलब ठीक है माहौल तो सही है अंदर का क्योंकि भाई एसी चल रहा है। तो चले यार थोड़ा सा काम वाम करें और देखते हैं कितना टाइम लगेगा, करीब 2.5 घंटे हो गए अंदर उन्हें, अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, अब हो जाए तो उसके बाद अम्मी फ़ोन करेंगी फिर। फाइनली दोस्त हम लोग आ चुके हैं घर, वहाँ से मतलब थोड़ा दर्द होता बताया उन्होंने कि ये दर्द होता रहता है मतलब प्रेगनेंसी के टाइम, तो इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है, बाकी दवाई वगैरह दे दी है कि अगर कुछ हो ऐसा तो ये दवाई खा लेना, बाकी अभी सब कुछ ठीक है। बड़ा टेंशन हो गई थी यार सोच सोच के मतलब क्या हो गया अचानक से। तो चलो यार बाकी हम लोग घर आ गए हैं, और वहाँ पर भी मेरी एडिटिंग चल रही थी, यहाँ पर भी मेरी एडिटिंग चल रही है, तो मैं लग गया हूँ काम में अपने। ये मोहतरमा लेके आ गए हमारे लिए खाना, लाओ लाओ रखो रखो काम के साथ खाना। अब दर्द तो नहीं हो रहा अब? नहीं। डॉक्टर ने क्या बोला था, कुछ बोला था? नहीं
कि होता रहता है ऐसे है। मैं तो डर गया, मैं कह रहा, और अम्मी ने पता कैसे मजे लिए मेरे से, वहाँ बुलाया यूँ, कह रही कि ऑपरेशन के ले गए ऐसे ऐसे, मैं कहा 6 महीने में कहाँ से आ रहा है इतनी जल्दी कैसे हो सकता है चलो ऐसा ना हो तो बढ़िया, सब कुछ नॉर्मल हो है, यही दुआ करो। तो चलो हम तो कहाँ खाना वाना आराम से कर रहे हैं, रेटिंग अपनी क्या हो गया, क्यों परेशान है, क्यों टहल रहा है इधर उधर है, क्या हो गया भाई बता दे हमें भी, कुछ बता दे, छूट बड़े जबले जबले पहने, मोटी हो गई इसलिए, जब जबले से पैशूट पहन लिए बिल्कुल। दवाई कितने दिन की थी उसने? 1 महीने की। अब 1 महीने बाद जाना है, ये सही है यार, पूरा 1 महीना है, दोबारा जाना ही नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया, सही है, ये बढ़िया, चलो ये बढ़िया यार, बार बार मैं परेशान नहीं होऊंगा, 1 महीना सीधा 1 महीने बाद जाओ आराम से। और ये इतने सारे कपड़े जिन पे अब क्या होगी प्रेस है, तो ये दोनों मिलके करवा रहे हैं इसका काम, ताकि 5-5 रुपये मिल जाए, है ना, है भाई 5-5 रुपये मिल जाए ना, है भाई, पाँच रुपये मिलेंगे ना, ओए यार बता नहीं रहा यार, 5-5 रुपये मिलेंगे ना, झूठ मत बोल, अरे रहने दो बेटे, अच्छा तू स्कूल जाता, क्यों जाता है, फ्रूटी के लिए, तेरी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है तो फ्रूटी के लिए जाओ, तेरे को नहीं मिलती तेरी छुट्टी, ये बताओ ये बच्चा स्कूल जाता फ्रूटी के लिए और बिस्किट के लिए, अकेला एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो बेचारे जा रहे हैं, फ्रूटी मिल जाती है, सही है भाई सही है, तुझे फ्रूटी काम का सारा ही है ना, फ्रूटी मिल जाएगी, ठीक है वैसी मिल जाएगी, ठीक है फिर तो चलो यार, बाकी अब ध्यान रखना दवाई का, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत ना हो, दवाई वाई का ध्यान रखना अपना, बाकी चलो ब्लॉग को कर दें एंड, बच्चा पार्टी है, कर दो, चलो बाय बाय बाय, बोलो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, अरे बोल दे, दांत फाड़ रहा है तेरे यार, अरे बोल दे यार, बोले ये शर्म आ रही है, चल बोल बोल, आज देखो तू बोलेगा नहीं बोलेगा, जल्दी बोल, जल्दी बोल, तो बोलियो लाइक कमेंट और शेयर कर दो, ये तू तो और बड़ी वाली है, ये तो बच्चे हैं, तू तो और इनसे वो है, कतई नहीं, बुद्धू बुद्धू बोलते हैं उसे, ये बुद्धू तू महाबुद्धू, बुद्धि ये बुद्धि है ना लड़की, तो बुद्धि है नी, बोल के दिखाते हैं, अच्छा चल, अच्छा चल कर दे, सॉरी, अरे वो है तू बहुत अच्छी है, तू वो है यार बढ़िया लौंडिया है ना, ये चच्ची बढ़िया है, एक नंबर चच्ची है भाई तुम्हारी, चल चल करते, अच्छा करते करते, सॉरी 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 कर दो, चल मैं बोल देता हूँ, वो लोग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, बाय बाय।